रक्षाबंधन बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं आरओ भाग 2 विषय हिंदी के अंतर्गत इस पाठ को, इसके अंतर्गत जो पाठ हैं, जो काव्यखंड हैं, उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि बच्चों, आपको मैंने इससे पहले जो क्लास ली, उसमें मैंने आपको आलोक धनवर जी के काव्यखंड पतंग के कुछ पद्यांशों को पढ़ाया और समझाया। आज हम इन्हीं के, इसी काव्यखंड पतंग के और पद्यांशों को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें दिया है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग के अक्सर। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास और पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पैर भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। ये मैंने पद्यांश पढ़ा। आप इसकी जो संदर्भ और प्रसंग व्याख्या उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे कि बच्चों आप लोग देख रहे हैं पिक्चर में, बच्चों का झुंड है और जिस तरीके से वो छत पर चढ़े हुए हैं, वो बिल्कुल भूल चुके हैं कि वो छत की मुड़ेर पर हैं और कितने किनारे बच्चे खड़े हुए हैं, लेकिन उनका जो ध्यान है सबका पतंग की ओर है। उनको गिरने का भी कहीं कोई भय नहीं है और वो अपने आप को संभाल भी लेते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता होगा और पतंग के जो कलर हैं, पतंग को और जो ऊंची आसमान में जाती है, तो ये भी एक कला है पतंग उड़ाने की। तो बहुत से बच्चे इस पतंग अपने जो साथी हैं उनके साथ उड़ाते हुए उसका आनंद ले रहे हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। जो मैंने आपको पहले पद्यांश पढ़ाया उसी का शब्दार्थ, बेसुधम यानी अचेत, बेचैन, व्याकुल, विकल, मृदंग ढोलक के आकार का एक बड़ा बाजा, पैग यानी एक दूसरे की ओर जाना, और अक्सर यानी प्राय। प्रसंग, देखिए संदर्भ और प्रसंग दोनों ही इसमें है। तो जैसे संदर्भ है तो प्रस्तुत काव्यांश आरोह भाग 2 के कवि आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग कविता से उद्धृत है। चूंकि प्रसंग भी है तो कवि ने बच्चों के सुकुमार शरीर और उनके चिंता रहित मन का क्या किया है, वर्णन किया है। अब इसकी व्याख्या सरलार्थ जो दिया है वो समझते हैं। कवि ने बच्चों के सुकोमल शरीर का वर्णन करते हुए कहा है कि वे जन्म से ही अपने साथ कपास, कपास किसको कहते हैं, रुई, उसको लेकर आते हैं। अर्थात जिस प्रकार कपास नरम और कैसा होता है, कोमल होती है, कपास यानी रुई, रुई कोमल और नरम होती है, उसी प्रकार बच्चों का जो शरीर होता है वो कैसा होता है, सुकोमल होता है, बहुत कोमल होता है। जब हम रुई को पकड़ते हैं तो एकदम कोमल, मुलायम होती, नरम होती है। वैसे ही जब बच्चे छोटे होते हैं तो छोटे बच्चों का जो शरीर होता है वो कैसा होता है, कोमल होता है, सुकोमल होता है। वे कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते, जो बच्चे होते हैं वो कभी एक स्थान पर नहीं टिकते। ऐसा लगता है जैसे उनके पैरों के पास पृथ्वी घूमती हुई ही आती है। बच्चे इधर कभी उधर, कभी नीचे कभी उधर, है ना, ऐसे दौड़ते भागते एक जगह एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते। तो कैसा, कवि ने क्या कहा यहाँ पे कि उनके पैरों के पास ऐसा लगता है कि कार
जैसे कि मैंने समझाया कि ऐसा लगता है जैसे उनके पैरों के पास पृथ्वी घूमती हुई सी आती है। वे व्याकुल होकर दौड़ते रहते हैं, अर्थात वे आराम रहित होकर बिना थके, जैसे बच्चे होते हैं ना, थकते नहीं हैं कभी, उनको कितना भी बहुत आनंद मिलता है दौड़ने भागने में। उनके सामने छत जैसी कठोर वस्तुएं भी कोमल बन जाती हैं। यदि मान लीजिए छत पर भी वो दौड़ रहे हैं, तो वो कैसा भी कुछ भी छत हो, लेकिन जब वो दौड़ते भागते हैं तो कैसी हो जाती, कोमल। वे आवाज करते हुए जोर से चिल्लाते हुए, जैसे पकड़िए दौड़िए, छुप रहे हैं फिर दिख रहे हैं, शोर मचाते हुए ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वे एक बड़ा ढोलक रूपी बाजा मृदंग बजा रहे हैं, जोर जोर से चिल्लाते हुए। वे घूमते हुए प्रायः एक ओर से दूसरी ओर चलते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी यहां से अंदर बाहर, कभी उधर से अंदर बाहर, इस प्रकार से। और साथ में क्या करते हैं, बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं और नाम लेकर चिल्लाएंगे, जोर की आवाजें निकालेंगे, इस तरीके से शोर मचाते हैं। उस समय वे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे प्रायः तेज गति से पेड़ की शाखाएं लचीली होकर झुक रही। उस समय बच्चे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे तेज गति से पेड़ की जो शाखाएं होती है ना, बड़ी बड़ी शाखाएं, ऐसा लग रहा है जैसे वो बार बार झुक रही हैं, फिर ऊपर हो रही, फिर झुक रही हैं, तेज गति से झुक रही हैं, ऐसे वो दौड़ते भागते प्रतीत होते हैं। इस प्रकार कवि ये समझाना चाहता है कि बच्चों का जो शरीर होता है वो बहुत रुई की तरह कोमल और नरम होता है। दूसरी कि बच्चे एक स्थान पर स्थिर नहीं होते। बड़ा ही सुंदर यहाँ पे बच्चों के बाल सुलभ मन का यहाँ पे वर्णन है, और जैसे कि कहा गया है कि वो जब दौड़ते भागते हैं स्थिर नहीं रहते, तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी घूमती हुई सी प्रतीत होती है। तो यहाँ पर उनके एक स्थान पर स्थिर ना रहने की तुलना पृथ्वी के घूमने से की गई है इस प्रकार। और बच्चे कभी थकते नहीं हैं, चाहे वो कितना भी दौड़ें, और उनके सामने जब वो भागते दौड़ते हैं तो छोटी बड़ी कोई भी कठोर चीज है, छत है, कुछ भी है, वो ऐसा लगता है कि सब नरम ही सब पार कर लें दौड़ते भागते। और बच्चे कभी शांत मन से नहीं रहते, वो हमेशा जब दौड़ते हैं तो अपनी मस्ती में दौड़ते हैं और शोर करते हुए ना, आवाज जोर जोर से चिल्लाते हुए सब जगह सुनाई दे, दर दर सब दो, जैसे ऐसा लगता है उनकी आवाज को वो करके कि कोई ढोलक रूपी या बड़े कोई मृदंग बज रहे हो इस तरीके से। और घूमते हुए एक दूसरे दूसरी एक तरफ से दूसरी तरफ वो चलते रहते हैं। उस समय वो कैसे प्रतीत होते हैं, ऐसे कि जैसे तेज गति से पेड़ की शाखाएं लचीली होकर झुक रही। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले जो पिक्चर बताई और मैंने आपको उसमें दिखाया कि बच्चे किस प्रकार जब पतंग उड़ाते हैं तो वो है अपनी सीमाओं को भी भूल जाते हैं कि हम कितने किनारे तक आ चुके हैं पतंग, लेकिन उनका ही मतलब जो शरीर है, उनकी ही जो आवाजें हैं, जो संगीत है और जो धागा है पतंग का, वह उनको क्या कर लेता है, संभाल लेता है। और जो ऊंचाई है पतंग की, बस एक छोटी पतली धागे के समान धड़कती ऊंचाई है, उनको क्या कर लेती, थाम लेती, केवल एक धागे के सहारे वह थमे रहते हैं। और जैसे जैसे पतंग उड़ती है वैसे वैसे वह भी क्या होते हैं, साथ उड़ते रहते हैं। चलिए आइए इसको समझते हैं। शब्दार्थ सिर्फ केवल रोमांचित, जिसके रोंगटे खड़े हो, थाम लेना यानी पकड़ लेना, महज केवल रंध्र माने होता छिद्र। जैसे कि मैंने कहा जो संदर्भ है इसमें संदर्भ संग दोनों ही है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 से लिया गया है। कवि आलोक धनवा द्वारा रचित पतंग कविता के तीसरे भाग से उद्धृत इस काव्यांश में उन्होंने बच्चों द्वारा पतंग उड़ाने के समय का वर्णन किया है। बच्चे पतंग उड़ाते समय क्या हो रहे हैं, चिंता रहित रहते, ऐसा लगता है जैसे इस प्रकार से
जैसे कि मैंने आपको समझाया कि इस काव्यांश में कवि के अनुसार बच्चे जब पतंग उड़ाते हुए चिंता रहित हो जाते हैं और कभी कभी पतंग उड़ाते हुए, तो जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो जैसे मैंने कहा इस प्रसंग में बच्चे पतंग उड़ाते समय चिंता रहित रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे पतंग के साथ वे भी उड़ रहे हैं। इसकी व्याख्या सरलार्थ को समझिए, कवि के अनुसार बच्चे पतंग उड़ाते हुए चिंता रहित हो जाते हैं और कभी कभी पतंग उड़ाते हुए वे जोखिम से पूर्ण स्थिति में छतों के किनारों तक पहुंच जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई, उसमें दिया है, आपकी पुस्तक में भी दी हुई है। ऐसी स्थिति में वे केवल रोंगटे खड़े कर देने वाले अपने शरीर के संगीत से ही क्या होते हैं, बच पाते हैं। उनके द्वारा उड़ाई गई कई पतंगे बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाती हैं। वे पतंग को केवल एक धागे के सहारे ही पकड़े हुए रहते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी इतने खो जाते हैं मानो पतंग के साथ साथ वे भी अपने छिद्रों के सहारे क्या हो रहे उड़ रहे हो। जैसे पतंग होती है ना, उसमें छोटे छोटे छिद्र करके फिर उसमें धागा बांध करके फिर वो उड़ती है ना ऊंची आकाश में। तो जैसे कि मैंने कहा कि बहुत से बच्चे पतंग उड़ाने में उनकी बहुत कला होगी, बहुत अच्छी पतंग उड़ाते होंगे, बहुत ऊंची ऊंची पतंग उड़ाते होंगे, और ये जो पतंग वाला पाठ है तो इससे तो बच्चे बहुत मतलब देख करके उनको अपनी पतंग और उड़ाने का वो सब चीज़ें याद, क्योंकि जब बच्चे बाकी में पतंग उड़ाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि हम खुले छत पे हैं, कि कहाँ हैं, कितने किनारे पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनको उनका जो संगीत, उनके जो शरीर का रोमांच है वो अपने उनको क्या कर देता है, उनको मतलब बच पाते हैं, संगीत से ही बच पाते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं, गिर नहीं पाते। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इसमें ये बता रहे हैं कि इतने खो जाते हैं बच्चे पतंग उड़ाने में कि वह सब कुछ क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। और ज्यादा रोमांच उनको जब आता है जब उनकी जो पतंग है धागे के सहारे बहुत आसमान को छूती है और वो एक दूसरे को शोर करते हुए क्या करते हैं, पतंग उड़ाते रहते हैं। इस प्रकार यहाँ कभी ये बताना चाहता है कि वह बिल्कुल चिंता नहीं करते, पतंग उड़ाते समय वो चिंता रहित हो जाते हैं और वह जोखिम भी उठा लेते हैं छतों में किनारे होकर के पतंग उड़ाने के लिए। ऐसी स्थिति में वे केवल क्या करते हैं कि सामने वाले के भी रोंगटे जो देखता है उसके भी खड़े हो जाते हैं और वह तो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को अपने शरीर के संगीत से उनको वह बचा ही लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने ये समझाया बच्चों की पतंग जो कि आसमान को छूती है किस प्रकार वो चिंता रहित हो जाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं, पृथ्वी और तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर, इसमें बच्चा पतंग उड़ा रहा है और बहुत अच्छा इसमें, चलिए इसके संदर्भ प्रसंग को पढ़ते हैं। शब्दार्थ निडर, भयरहित, खतरनाक, खतरे से भरा हुआ, जोखिम से पूर्ण, सुनहरे सोने के रंग। प्रसंग जैसे पूर्वत इसमें दिया हुआ है कि कहाँ से इसको उद्धृत है ना, पतंग आलोक धनवा जी के पतंग काव्य से। सरलार्थ समझिए व्याख्या इसकी, कवि के अनुसार पतंग उड़ाते हुए बच्चे निडर और निर्भीक रहते हैं, बिल्कुल नहीं डरते, बहुत निर्भीक, और यदि जैसे कि उसमें कहा कि गिरने से यदि वो बच गए तो उनमें तो और ज्यादा निडरता आ जाती है। वे गिरते और उठते रहते हैं, कभी वो कभी कभी गिर जाते हैं, पीछे होते होते वो गिर जाते हैं। यदि वे छतों के खतरनाक किनारों से कभी गिर भी जाते हैं तो भी साकुशल बच जाते, तो भी क्या होते हैं, वो साकुशल बच जाते हैं। इस प्रकार जब वो चूंकि गिर करके बच जाते हैं तो उनमें और निडरता आ जाती है। इस प्रकार जोखिम पूर्ण स्थिति से बच जाने पर पहले से ही भयभीत होकर स्वर्णिम सूर्य के समक्ष आ जाते हैं, अर्थात पहले से भी ज्यादा खतरों से भरे हुए कार्य करने लगते हैं। अरे हम तो बच गए, हम गिरे थोड़ी ना, हम तो बच गए। इस प्रकार
यदि वे गिरने से बच जाते हैं तो भय रहित होकर स्वर्णिम सूर्य के समक्ष जाते हैं, अर्थात वे पहले से भी ज्यादा खतरों से भरे हुए कार्य करने लग जाते हैं। इस प्रकार उनके ऐसा लगता है कि उनके पैरों के पास से पृथ्वी और भी तेजी से घूमती हुई प्रतीत होती है, कि जो पृथ्वी है वो और भी तेजी से घूमती हुई प्रतीत होती है उनके पैरों के पास से। इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों की निडरता यानी पतंग उड़ाने को लेकर वो उतने खो जाते हैं, और यदि वो गिरने से बच गए तो उनके अंदर और ज्यादा निडरता आ जाती है, और ज्यादा वो जोखिमपूर्ण कार्य करने लगते हैं। और यदि क्योंकि वो गिरने से बच गए ना तो उनमें क्या आ जाती, निडर निर्भीक हो जाते हैं इस प्रकार, और वो पहले से ज्यादा खतरों से भरे हुए कार्य को करने लगते हैं। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको यहाँ पर पतंग आलोक धनवा जी के पद जो काव्यखंड है पतंग को पढ़ाया और समझाया। इसके अब इसके जो प्रश्न उत्तर हैं जो भी मैंने पद्यांश पढ़ाए हैं उन पद्यांशों को लेकर भी जो प्रश्न उत्तर हैं और जो आपके पुस्तक में प्रश्न उत्तर दिए उनको सबको हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक आप इनको अपनी कॉपी में रजिस्टर में बेटा आप इसको अच्छे से लिख लीजिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद बेटा।